हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनाइल्स के बारे में देखिए ऐसे कंपाउंड्स जो कि ट्रांजिशन मेटल एटम और मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको हम मेटल कार्बोनाइल्स या मेटलिक कार्बोनाइल्स कहते हैं अब मेटल कार्बोनाइल्स की बात करें तो इनमें ट्रांजिशन मेटल एटम लो ऑक्सीडेशन स्टेट या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रजेंट होते हैं और जो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल या कार्बोनाइल लिगेंड है वो न्यूट्रल लिगेंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है अब बात करते हैं मेटल कार्बोनाइल्स के क्लासिफिकेशन की तो देखिए पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल एटम तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा मोनो न्यूक्लियर कार्बोनाइल्स देखिए ऐसे कार्बोनाइल्स में सिर्फ एक मेटल एटम प्रेजेंट होता है ये हो जाएंगे इनके एग्जाम्पल और पॉली न्यूक्लियर कार्बोनाइल्स की बात करें तो इनमें दो या दो से ज्यादा मेटल एटम्स प्रेजेंट होते हैं ये हो जाएंगे इनके कुछ एग्जाम्पल अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स पहले बात करते हैं नॉन ब्रिज्ड कार्बोनाइल्स की तो देखिए इन कार्बोनाइल्स में ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप एबसेंट होता है लेकिन इनमें मेटल मेटल बॉन्ड प्रजेंट हो सकता है ये हो जाएंगे इनके कुछ एग्जाम्पल कार्बोनाइल्स। देखिए इन कार्बोनाइल्स में ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप प्रजेंट होता है और उसके साथ एक या ज्यादा मेटल मेटल बॉन्ड भी प्रजेंट होता है ये हो जाएंगे इनके कुछ एग्जाम्पल अब बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल के बारे में देखिए मेटल कार्बोनाइल कार्बन बॉन्ड की बात करें तो उसमें सिग्मा और पाई, दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो इस केस में कार्बोनाइल कार्बन एक इलेक्ट्रॉन पेर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है जिसकी वजह से कार्बन टू मेटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या इसको हम लिगैन टू मेटल सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं अब मेटल कार्बन पाई बॉन्ड की बात करें तो इस केस में मेटल आयन अपने डी ऑर्बिटल से कार्बोनाइल लिगैन के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है जिससे कि मेटल कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अब इस बॉन्ड को हम मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड भी कह सकते हैं या इस बॉन्ड को हम पाई बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग बैक कोऑर्डिनेशन या सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहते हैं अब इसको हम टेट्रा कार्बोनाइल निकल के एग्जांपल से समझते हैं देखिए निकल कार्बोनाइल के बीच में सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो उस केस में निकल एटम के एम टी हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बोनाइल मॉलिक्यूल के कार्बन एटम के फील्ड एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है देखिए ये हो जाएंगे निकल के एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये हो जाएंगे कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन एटम के एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल जब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो जो नया बॉन्ड बनता है उसको हम कहेंगे कार्बोनिल सिग्मा बॉन्ड या इसको हम कहेंगे लिगेन टू मेटल सिग्मा बॉन्ड अब देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया है मेटल कार्बोनाइल में जो मेटल एटम होता है वो या तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है या लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है अब मेटल और कार्बोनाइल के बीच में जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो कार्बोनाइल लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इस वजह से मेटल एटम पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है अब मेटल एटम पर जो ये इंक्रीज नेगेटिव चार्ज है इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए मेटल एटम अपने नेगेटिव चार्ज को वापस या पर कर देता है, और इस तरह के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से मेटल और कार्बोनाइल के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अब इस बॉन्ड के केस में मेटल एटम के जो फिल्ड डी ऑर्बिटल हैं, उनकी ओवरलैपिंग कार्बोनाइल मॉलिक्यूल के वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ होती है अब मेटल का यहाँ पर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और लिगेंड का पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और इन दोनों की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन रहा है इसलिए हम इसको डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कहेंगे अब इसको टेट्रा कार्बोनाइल निकल के एग्जाम्पल से समझते हैं ये हो जाएंगे निकल के फील्ड डी ऑर्बिटल्स और ये हो जाएंगे कार्बोनाइल मॉलिक्यूल के वैकेंट फाइव स्टार ऑर्बिटल्स जब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पर निकल और कार्बोनाइल के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा देखिए कार्बोनाइल मॉलिक्यूल के एमओटी डायग्राम को देखें, तो उसमें इसके पाई स्टार बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं और मेटल इन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है अब देखिए जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनता है और जब मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जिसको हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं तो इस तरह से मेटल कार्बोनइल्स में सिग्मा और बॉन्ड दोनों का फॉर्मेशन होता है अब मेटल कार्बोनाइल पाई बॉन्ड की बात करें तो इसमें जो मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह बिहेव करता है मीन्स ये लिविस बेस होगा और लिगेंड की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है मीन्स ये लिविस एसिड की तरह बिहेव करेगा अब मेटल कार्बोनाइल पाई बॉन्ड की बात करें तो ये मेटल की लो ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है देखिए हमने डिस्कस किया था जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो मेटल पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है और इस वजह से इस मेटल की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है अब मेटल अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए नेगेटिव चार्ज को वापस लिगेंड को ट्रांसफर कर देता है मींस ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड को डोनेट कर देता है इस तरह से मेटल का जो नेगेटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा और मेटल स्टेबलाइज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं मेटल कार्बोनाइट पाई की वजह से मेटल स्टेबलाइज हो जाएगा और इस तरह से बैक बॉन्ड बनने की वजह से मेटल रहता है और बैक बॉन्डिंग की वजह से मेटल कार्बोनाइल्स स्टेबल होते हैं अब मेटल कार्बोनाइल्स में मेटल और लिगेंड की बात करें तो वो दोनों डोनर और एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं देखिए लिगैन टू मेटल बॉन्ड की बात करें तो उसके इसमें लिगैंड डोनर हो जाएगा मीन्स वो लिविस बेस हो जाएगा और मेटल एक्सेप्टर हो जाएगा मीन्स वो लिविस एसिड हो जाएगा और मेटल टू लिगेंड बॉन्ड की बात करें तो इसमें मेटल क्या हो जाएगा डोनर मीन्स वो लिविस बेस हो जाएगा और लिगेंड एक्सेप्टर हो जाएगा मीन्स वो लिविस एसिड हो जाएगा तो हम कह सकते हैं मेटल और लिगेंड दोनों डोनर और एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं या ये दोनों बेस और लिविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं अब बात करते हैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स की तो देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था ऐसे मेटल कार्बोनाइल्स जिसमें एक मेटलिक एटम प्रेजेंट हो उनको हम मोनो न्यूक्लियर कार्बोनाइल्स या मोनोमेरिक कार्बोनाइल्स कहते हैं इनका जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा यहाँ पर वाई जो है वो नंबर ऑफ कार्बोनाइल लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है अब बात करते हैं इनके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की। देखिए कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम कार्बन मोनोऑक्साइड और फाइनली डिवाइडेड मेटल के डायरेक्ट से बना सकते हैं। जैसे निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन इन कंडीशन में करवाते हैं तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल का फॉर्मेशन होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट 43 डिग्री सेल्सियस होता है और आयरन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन कंडीशन में करवाई जाती है तो पेंटा कार्बोनाइल आयरन का फॉर्मेशन होगा और इसका बॉइलिंग 103 डिग्री सेल्सियस होता है अब निकल टेट्रा कार्बोनाइल की बात करें तो ये हाईली टॉक्सिक वॉलेटाइल कलरलेस लिक्विड होता है जिसको कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ प्रेसराइज सिलेंडर में स्टोर किया जाता है अब इसके वेपर की बात करें तो वो एयर से सिक्स टाइम्स डेंसर होती है अब देखिए निकल के प्योरिफिकेशन के मॉन्ड प्रोसेस की बात करें तो वो टेट्राकार्बोनाइल के डिकम्पोजिशन पर बेस्ड होता है मीन्स इसमें टेट्राकार्बोनाइल निकल का डिकम्पोजिशन निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है और ये निकल प्योर फॉर्म में यहाँ से ऑप्टेन कर लिया जाता है अब पेंटा कार्बोनाइल आयरन की बात करें तो ये एक येलो रेड कंपाउंड होता है जो कि एयर में स्लोली डीकम्पोज होता है और लाइट और हीट सेंसिटिव होता है अब देखिए अगर कार्बोनाइल आयरन का फोटोलाइसिस करते हैं तो उससे डाई आयरन नोना कार्बोनाइल बना सकते हैं ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन ये एक ऑरेंज सॉलिड कंपाउंड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होता है इसके अलावा कुछ और कार्बोनाइल बात करें तो उनको कार्बन मोनोऑक्साइड की पर्जेंस में रिड्यूस करके बनाया जा सकता है। जैसे क्रोमियम के की बात करें तो इसकी रिएक्शन अगर एल्यूमिनियम और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम का फॉर्मेशन होगा ये हो जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट और अगर आयरन सल्फाइड की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और कॉपर की प्रजेंस में करवाई जाए तो उससे पेंटा कार्बोनाइल आयरन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो देखिए ये हो जाएगा कार्बोनाइल निकल का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा पेंटाकार्बोनाइल आयरन का स्ट्रक्चर और ये हो जाएगा हेग्जा कार्बोनाइल क्रोमियम का स्ट्रक्चर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है